नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने कुल 18 दलों को न्योता दिया है, लेकिन इसमें बीजेडी, टीआरएस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। एक तरफ टीआरएस ने कांग्रेस को निमंत्रण देने पर न आने की बात कही है, तो वहीं बीजेडी और आम आदमी पार्टी ने इसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी मीटिंग बुलाने को जल्दबाजी करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी रही। सोमवार और मंगलवार को मैराथन पूछताछ के बाद एक बार फिर से बुधवार को सुबह करीब 11:30 बजे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। हालांकि पुलिस का पहरा बहुत सख्त रहा और प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल, अजय सिंह लल्लू समेत कई सीनियर नेता ईडी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठे नजर आए। भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना लागू कर दी है। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस नई योजना को हरी झंडी भी दे दी है। बुधवार को थल सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने यह साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत भर्ती कब से शुरू होगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के समक्ष राहुल गांधी की लगातार पूछताछ को लेकर कांग्रेसी नेताओं में उबाल है। कांग्रेसी नेता पिछले दिनों से सड़क पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ही नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व आईपीएस और पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी सिखों को लेकर की गई एक मजाकिया टिप्पणी पर घिर गई है। यही नहीं, विवाद बढ़ने पर एलजी किरण बेदी ने इस मसले पर माफी की मांग की है। दरअसल सोमवार को चेन्नई में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान किरण बेदी ने 12 बजे वाला एक जोक सिखों को लेकर बोला था। उनकी इस टिप्पणी वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारत में कोरोना की अगली लहर की आशंका के बीच नए मामलों ने एक बार फिर से विशेषज्ञों को चौंका दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में 8822 नए मामले सामने आए हैं, यानी सिर्फ एक दिन में इतने नए लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये पिछले 3 महीने में एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है। इसके साथ ही एक दिन में 15 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने एक बड़े घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के घाटमपुर इलाके में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी और कानपुर बाहरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान लेने के बाद देश में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे, इनमें कई लोगों की जान चली गई थी। केंद्र सरकार द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के वादे को बेरोजगारी पर बड़ा वार साबित हो सकता है। देश में 1 मार्च 2020 तक केंद्र में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 4,941 थी, जिसमें से कुल 31,32,968 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति थी। तत्कालीन केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल मार्च में राज्यसभा को बताया था कि केंद्र में स्वीकृत कुल पदों में से 8,71,973 पद रिक्त है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर तरीकों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 72,97.85 MHz स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई महीने के अंत तक की जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को यह जानकारी दी गई। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्र में उपयोग वाली नए दौर की एप्लीकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम मेधा में नवोन्मेष और इसको बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में डीलरों को अनियमित आपूर्ति, राज्यों द्वारा बढ़े हुए वैट के कारण देश भर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में अचानक संकट पैदा हो गया है। फ्यूल पंप मालिकों और डीलर एसोसिएशन का मानना है कि अगर समस्या का त्वरित समाधान नहीं निकला तो संकट लंबे समय तक बना रह सकता है। देश भर में आ रही सूचनाओं से लगता है कि तेल का संकट एक सीमित दायरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में कई पेट्रोल पंपों पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अब आरसीपी सिंह के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। हाल ही में जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी करते हुए आरसीपी सिंह से इस्तीफे की मांग की है। 7 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने मांग की है कि वो केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद भाजपा से निष्कासित की गई पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के परिवार को जेड सुरक्षा प्रदान करने की बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जांच के बाद उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रूत्री ने इस लेटर को फर्जी बताया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल मच गया है। बक्सर में अग्निपथ के तहत 4 साल के युवाओं को सेना में भर्ती कराने की योजनाओं का विरोध करते हुए युवा
रेलवे ट्रैक पर उतर गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने कई ट्रेनों को रोक दिया। हंगामे के बीच अप एंड डाउन में कई ट्रेनें फंसी रही। पटना दिल्ली रेल मार्ग को घंटों जाम रखा गया। 45 डिग्री तपती गर्मी में लोग ट्रेन में फंसे होने के कारण काफी परेशान हुए। एल्स्टॉम, सीमेंस, हिताची, स्टैंडलर रेल, वेबटेक और आर्को समेत वैश्विक कंपनियों ने गुजरात के दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर भारतीय रेलवे द्वारा एक नई लोकोमोटिव सुविधा विकसित करने में अपनी रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने कहा कि कई विदेशी और स्थानीय कंपनियों ने 9,000 हॉर्स पावर के 1200 इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण और आपूर्ति के लिए बोली पूर्व परामर्श में भाग लिया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को बिल्डर संजय छाबड़िया और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वाधवान के खिलाफ एक रियल एस्टेट फर्म के साथ 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का एक नया मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सायरा बानो दिवंगत पति दिलीप साहब के नाम का भारत रत्न अवार्ड लेती हुई नजर आ रही है। उन्हें यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सौंपा है और इस बीच सायरा बानो पति दिलीप को याद करते हुए इतनी भावुक हो जाती है कि उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित की जाने वाली पहली ट्रेन को मंगलवार को यहां हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेन मंगलवार को शाम 6 बजे कोयम्बटूर उत्तर से रवाना हुई। ये गुरुवार को सुबह 7:25 पर शिरडी पहुंचेगी। एक दिन के ठहराव के बाद ट्रेन शुक्रवार को साईनगर से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगी और शनिवार दोपहर 12 बजे कोयम्बटूर उत्तर पहुंचेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के साथ ही तेलंगाना राज्य में बारिश शुरू हो गई है। राज्य में पहले दिन बारिश हुई, यह आज यानी बुधवार सुबह फिर से शुरू हो गया है। लगातार हो रही बारिश से पूरा राज्य एक साथ ठिठुर गया है। सुबह जल्दी ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने वालों को बारिश के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनमें से कुछ बारिश से भीग जाते हैं। उधर मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के बुधवार और गुरुवार को तेलंगाना और अन्य राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार द्वारा गेहूं की खरीद इस सीजन में वास्तविक लक्ष्य से 57.5% कम है क्योंकि प्राइवेट खरीदारी अधिक होने के कारण फसल की पैदावार में भी गिरावट आई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम ने सीजन के लिए खरीद समाप्त होने के एक दिन पहले मंगलवार तक 18.7 मिलियन टन गेहूं का अधिग्रहण किया। अधिकारी ने बताया है कि खरीद सीजन आज यानी बुधवार जून 15 को खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव 16 जून को हैदराबाद के बाहरी इलाके में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति सांसद जय संतोष कुमार की तरफ से शुरू किए गए हरित अभियान ग्रीन इंडिया चैलेंज 5.0 की शुरुआत करेंगे। एक बयान के मुताबिक जग्गी वासुदेव का वैश्विक मोटरसाइकिल अभियान मिट्टी बचाओ आंदोलन जागरूकता बढ़ाने के लिए पहले राजधानी पहुंचेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई रक्षित शेट्टी अभिनीत फिल्म 777 चार्ली देखकर भावुक हो गए और अपने आंसू रोक नहीं पाए। फिल्म निर्माण में शामिल सदस्यों के अनुसार किरण राज द्वारा लिखित और निर्देशित की फिल्म नायक के जीवन में एक कुत्ते के आने के बाद उसमें आए बदलाव को दर्शाती है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को बिल्डर संजय छाबड़िया और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वाधवान के खिलाफ एक रियल एस्टेट फर्म के साथ 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का एक नया मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लीडिंग क्रेडिट फर्म कैश ए की तरफ से एक खास क्रेडिट सुविधा लॉन्च की गई है। सुविधा खासतौर पर व्हाट्सएप बिजनेस यूजर के लिए है। इस सुविधा के तहत व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म यूजर्स मात्र 30 सेकंड में लोन हासिल कर पाएंगे। इसके लिए यूजर को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पिछले काफी समय से अपने बल्लेबाजी की वजह से चर्चा में। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट में वो रन बनाते हुए जूझ रहे हैं। हालिया इंडियन प्रीमियर लीग में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने कोहली के एटीट्यूड पर सवाल उठाया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी रही। राहुल बुधवार सुबह ईडी दफ्तर में पेश हुए। उधर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में जमकर बवाल किया। जुमे की नमाज के बाद बीते शुक्रवार को हिंसा और बवाल को अंजाम देने वाले उपद्रवी के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने के साथ ही लोगों से अपील की है कि वो इन उपद्रवियों की शिनाख्त कर उनके बारे में सूचना दें। सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। बाबा निराला के नाम की आंधी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत में एमएक्स प्लेयर की इस ओरिजिनल सीरीज ने इतिहास तो रच दिया है और अब ये बवंडर सात समंदर पार भी तूफान मचाएगा। बता दें कि एक बदनाम आश्रम 3 अब 33 देशों में भी प्रदर्शित हो रही है। जिस तरीके से डायरेक्टर प्रकाश झा प्रोडक्शन की टीम और एमएक्स की टीम ने एक एक करके बाबा निराला का साम्राज्य खड़ा किया है, उसकी गवाही अब पूरा जहां देगा। जापान में क्वाड शिखर बैठक के बाद अब इसके सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आपस में मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने क्वाड यूएन एम्बेसडर से मुलाकात की और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
जाने माने टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा हाल ही में कंगना रनौत के शो लॉकअप को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन अब वो एक विवाद में फंस गए हैं। एक्टर और पांच अन्य लोगों के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक 40 वर्षीय महिला ने 2.5% ब्याज पर रिटर्न का वादा करके 1.99 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करती हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने टीवी पर कभी कुमुद तो कभी माया बनकर घर घर में अपनी पहचान बनाई। अब खबर है कि एक्ट्रेस जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सिद्धांत कुमार, नन्नू कुमार, रितिका राजपूत, जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजीत कुमार, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार टीवी इंडस्ट्री का आपका सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।